कोयलांचल में मोमेंटम झारखंड का कोई असर नहीं दिख रहा है। एक साल बीतने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा औद्योगिक निवेश नहीं हो सका है। ये रिपोर्ट देखिए। मोमेंटम से झारखंड की बदली तस्वीर, नहीं बदला तो सिर्फ धनबाद। कहाँ है 1050 करोड़ का निवेश? झारखंड की रघुवर सरकार सूबे में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए अब तक रांची, जमशेदपुर और बोकारो में मोमेंटम झारखंड का आयोजन कर चुकी है। पिछले साल 16-17 फरवरी को रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव का दावा किया गया। उसके बाद भी कोयलांचल धनबाद इस मोमेंटम से अछूता रहा। उन्होंने घोषणा की थी कि एयरपोर्ट धनबाद में बनेगा, लेकिन साल भर लगभग होने को चला, लेकिन उस घोषणा पे कहीं पे अमल नहीं हो रही है। दूसरा था क्या कि धनबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा सी गई है। रघुवर दास जी को हम लोगों ने इस बात को उनके पास रखे हैं और उन्होंने विचार इस पर कर रहे हैं, जरूर हम लोगों का बात को सुनते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट का व्यवस्था कराने का काम करेंगे, एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे और रेल के प्रति भी, रेल जो बंदी हुआ चंद्रपुरा धनबाद रेल लाइन। मोमेंटम झारखंड से सूबे को फायदा पहुंचा, फिर भी औद्योगिक माहौल के बावजूद भी खराब विधि व्यवस्था और बिजली संकट की वजह से कोयलांचल इससे अछूता है। अब तक धनबाद में छोटे बड़े कुल 25 उद्योग में 1050 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई उद्योग खड़ा नहीं हुआ। 25 कंपनी का प्रोसेस में, उसमें कुछ चालू कर रहे हैं, कुछ लोग इनिशियल स्टेज में, कुछ लोगों का एमओयू हुआ है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, और करीब 1000 से 1500 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। धनबाद से आसपास जितने उद्योग आने की प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वो अभी छोटे छोटे उद्योगों का है, तो हमें और बड़े इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है। और हवाई अड्डा तो ये कोई बहुत इशू नहीं है। मोमेंटम झारखंड से कोयलांचल धनबाद को अब तक कोई फायदा नहीं मिला है, यानी अभी तक किसी भी बड़े उद्योगपति ने यहाँ पर कोई बड़ा निवेश करने की घोषणा नहीं की है और कोई टर्न अप नहीं हुआ है। कारण यह है कि धनबाद से कनेक्टिविटी का कमजोर होना, कहा तो यह जा रहा है कि डीसी रेल लाइन बंदी और धनबाद का अब तक एयरपोर्ट का अभाव, ये एक बड़ी समस्या रही है। और दूसरी ओर रंगदारी भी यहाँ पर एक बड़ा कारण रही है। सवाल यह है कि जब धनबाद में सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगी और एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होगी तो फिर कोई बड़ा व्यवसायी, बड़ा उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए तैयार कैसे होगा? यानी मोमेंटम झारखंड में धनबाद का मोमेंटम कैसे सफल होगा? कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज़ धनबाद।